वेलकम टू मोटर रिव्यूज और आज जो हम डिस्कस करेंगे ऑल न्यू अपकमिंग 2021 यामा R3 BS6 की लॉन्चिंग डिटेल। सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए, आपको सारी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाएगी। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं बाइक के रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। यामा R3 BS6 इंडिया में लॉन्च कब होगी, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस बाइक में और इस बाइक का प्राइस कितना रहने वाला है, सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए, आपको सारी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाएगी। यामा R3 BS6 की जो स्पेसिफिकेशन है, इंजन इसमें आपको 321 cc का मिल जाएगा। पावर जो ये जनरेट करता है भाई, 42 HP की पावर मिल जाएगी इसमें आपको। टॉर्क इसमें आपको 28.8 न्यूटन मीटर का देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें आपको ट्विन सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6-speed गियर देखने को मिलते हैं। सीट हाइट इस बाइक की 780 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। वेट इस बाइक का 170 kg विद फ्यूल देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। डिस्क का साइज फ्रंट में इसमें आपको 298 mm हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क रहेगा फ्रंट डिस्क का साइज। रेयर डिस्क का साइज इसमें आपको 220 mm हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। टायर का साइज फ्रंट में 110/70/17 inch का टायर देखने को मिलता है फ्रंट में। रेयर टायर इसमें आपको 140/70/17 inch का टायर मिल जाएगा। सस्पेंशन में फ्रंट में आपको 37 mm अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलेंगे फ्रंट सस्पेंशन में। रेयर सस्पेंशन में मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा। कैसा परफॉर्म करता है ये बाइक ये भी मैं आपको बताता हूँ। टॉप स्पीड जो ये बाइक जनरेट करेगा 180 km/h के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाएगी। 0 to 100 ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 5.5 सेकंड में पहुंच जाता है। एवरेज जो ये फ्यूल इकोनॉमी जनरेट करेगा ये बाइक 24 km/l के हिसाब से आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी। फीचर्स क्या कुछ देखने को मिलते हैं ऑल न्यू यामा R3 BS6 में ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा और इस बाइक में आपको फुली LED हेडलाइट भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी देखने को मिलता है। इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी लिक्विड कूल देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में आपको टोटली न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा और ये बाइक टोटली इंस्पायर्ड है यामा R6 एंड यामा R1 से। कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी देखने को मिलेगा इस बाइक में और इसमें आपको अपडेटेड न्यू लुक्स भी देखने को मिलेंगे। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है यामा की तरफ से और इस बाइक में आपको बहुत ही अच्छे न्यू फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इस बाइक में आपको कितने न्यू कलर्स देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक में आपको टोटल 4 कलर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कलर इसमें आपको टील ब्लू कलर देखने को मिलेगा। सेकंड कलर इसमें आपको रेसिंग ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा और थर्ड कलर इसमें आपको मैट ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। फोर्थ कलर इसमें आपको मोटो GP एडिशन भी कलर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का प्राइस कितना रहने वाला है इंडिया में ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक का प्राइस आपको 370,000 के इन बिटवीन इसका प्राइस रहेगा और इस बाइक का लॉन्च आपको 2021 जनवरी में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।